हेलो, गुड मॉर्निंग. आई एम तब्रेज अख्तर. दिस इज़ योर मैथ्स क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में इसी में क्वेश्चन आएंगे और धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स यानी जो फिगर में चार साइड्स हो कम से कम, तो वो क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है. ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कर्व के बारे में कि ओपन कर्व, क्लोज कर्व, उसके बाद पॉलीगॉन, ये सारी चीज़ें क्या होती है. तो ये क्लास 6 में हमने पढ़ी हुई थी कि कर्व क्या होता है, कि ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है. ठीक है, तो ये वही चीज़ है. इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि इन फिगर में कौन सी चीज़, कौन सा फिगर सिंपल कर्व है, कौन सा क्लोज कर्व है, कौन सा पॉलीगॉन है और कौन सा कॉन्वेक्स है. ठीक है, पॉलीगॉन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगॉन है. ठीक है, कर्व यानी कोई भी फिगर बेटा जो आपने बनाया हुआ है. ठीक है, तो वो सारा को फिगर जो है, लगभग आपने कोई भी फिगर ड्रॉ किया है. ठीक है, लाइन को छोड़ के, है ना, वो अगर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है या घुमा हुआ है तो वो कर्व कहलाएगा. उसके साथ साथ अगर वो जो भी आपने फिगर ड्रॉ किया है, अगर वो क्लोज़ हो जाता है, यानी उसकी सारी बाउंड्रीज लॉक हो जाती हैं, तो वो क्लोज़ कर्व कहलाता है. ठीक है, अब उसके बाद पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन कर्व और पॉलीगॉन में डिफरेंस यही है कि जो पॉलीगॉन होता है वो लाइन से मिलके बनता है. ठीक है, पॉलीगॉन जो होता है वो लाइन से मिलके बनता है, और कर्व जो होता है उसमें, कर्व में जो है स्ट्रेट लाइन, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, कर्व में कर्व लाइन होती है. ठीक है, इसीलिए कर्व और पॉलीगॉन में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है. अब सबसे पहले ये सारे फिगर हैं, इसमें से आप बताओ कि कर्व कौन से हैं. अच्छा, पॉलीगॉन भी एक कर्व कहला सकता है, है ना, पॉलीगॉन भी एक कर्व कहला सकता है. तो कर्व कौन कौन से हैं, सिंपल कर्व की बात करूं, ये. ठीक है, ये आपको सिंपल दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा घुमावदार कोई चीज़ नहीं है. ठीक है, तो ये सिंपल कर्व हो गए. क्लोज कर्व कौन कौन से हैं, क्लोज, ये सारे क्लोज भी हैं, है ना, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी ये क्लोज कर्व है. ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पॉलीगॉन क्या है, तो पॉलीगॉन मैंने बताया था लाइन से मिलके बनते हैं. तो देखो, इन ऊपर वाले जितने फिगर हैं उसमें जिस ऐसे जो भी फिगर हैं जो लाइन से मिलके बने, जैसे कि ये है ना, ये दोनों हो गया, और एक ये स्टार भी जो है लाइन से मिलके बना है, तो इसको भी कह सकते हैं कि पॉलीगॉन है. ठीक है, उसके बाद आते हैं कि पॉलीगॉन भी दो टाइप के हमने पढ़े हुए थे, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक कॉनकेव पॉलीगॉन. ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऐसे होते हैं जिनकी लाइन बाहर की तरफ निकली हुई होती है, तो वो कॉन्वेक्स होते हैं, और जिनकी लाइन जो है वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है, उनको कॉनकेव कहते हैं. जैसे कि ये, तो इसकी लाइन देखो अंदर की तरफ जा रही है, ये यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी ये जो फिगर है इसमें देखो, ये अंदर की तरफ जा रही है लाइन, है ना, तो फिगर के अंदर की तरफ जाने वाला कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाता है. अब आते हैं, हाउ मेनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. अब जो क्वेश्चन में दिए हुए फिगर्स हैं उसमें कितने डायगनल्स होते हैं ये आपको बताना है. सबसे पहला क्वेश्चन है डायगोनल्स क्या होता है और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे. ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है, देखो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है. जैसे कि अगर मैंने स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर का ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है, ऐसे ही ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है. तो स्क्वायर में कितने डायगोनल हो गए, ए दो. ठीक है, दो डायगोनल हो जाएंगे. तो इसी तरीके से कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैंने कहा था जिसमें चार साइड होनी चाहिए वो क्वाड्रिलेटरल होता है, और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा कि उसकी चारों साइड जो है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ धसी हुई नहीं होनी चाहिए. तो ये एक हो गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसकी कितने डायगोनल होंगे, एक ये होगा एक ये होगा. इसके अलावा और होगा क्या, मुझे नहीं लगता.
तो ये दो ही होंगे। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज़ टू डायगोनल्स, ठीक है। और यहाँ पे फिगर भी बना दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, तो रेगुलर हेक्सागोन मतलब जिसकी सारी साइड बराबर हो। हेक्सागोन का मतलब कम से कम छः साइड, यानी एग्जैक्ट छः साइड होनी चाहिए। 1, 2, 3, 1 मिनट, ये आपने ये ऐसा बना दिया ना, ठीक है, ऐसा हेक्सागोन बना दिया। इसमें कितनी डायगोनल हो सकती हैं, देखो कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाओ, एक, ये दो, ये तीन, ठीक है, और भी कॉर्नर मिल सकते हैं क्या? हाँ, जितने कॉर्नर है, ये चार, ये सॉरी, चार के बाद ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ। तो इस तरीके से कम आप देख लेना, कम से कम नहीं मतलब 9 एग्जैक्टली आपको डायगोनल्स मिल जाएंगे, देखो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 9 डायगोनल्स मिल जाएंगे इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपरली होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। तो मेज़र करना है उनके एंगल को, किसको, किसके एंगल को, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल को मेज़र करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, तो अब अगर फिगर में आपको कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका साइड जो है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, जैसे कि ये। तो क्या उस केस में आपका जो सम है वो क्या आएगा, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा था, कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है उसका सम क्या होगा, ठीक है, ये आप प्रूफ करके बताइए, और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का भी सम वही होगा या नहीं होगा, ठीक है। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स यानी उसके एंगल का सम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ एक फिगर दिया हुआ है जो हमने अपने से बना लिया है, जो है एक क्वाड्रिलेटरल का, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को बीच से हम लाइन खींच दें, चलो यहाँ पे साइड में बनाता हूँ एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया, बीच से लाइन खींच दूँ तो ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा, एक ट्राइंगल ऊपर वाला, एक ट्राइंगल नीचे वाला, ठीक है। ये दो ट्राइंगल बन गया, और दो ट्राइंगल का आपको सम पता है कि यानी एक ट्राइंगल का सारे उसके जो एंगल्स जी जितने होते हैं उसका सम क्या होता है, 180 होता है। यानी एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, और तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है, ये आपको पता है। तो इस तरीके से इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ऊपर वाले ट्रायंगल का जो सम है वो 180 होगा, और नीचे वाले ट्रायंगल का सम होगा 180। दोनों ट्रायंगल के सम को मिलाएंगे, 180 प्लस 180, तो हमको मिल जाएगा 360। देखो इस तरीके से किया हुआ है, जब हमने बीच से लाइन खींच दी तो ये ट्रायंगल में टोटल एंगल कितने हो गए, ये सॉरी, ये क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितने हो गए, ए बी सी डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी करेंगे तो इसका एंगल सम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ एंगल ए को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी एंगल ए में दो एंगल छुपे हुए हैं, एक एंगल 1 और एक एंगल 6, ठीक है। ऐसे ही एंगल सी में दो एंगल हैं, एक एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो इस तरीके से सारे एंगल्स के हमको यहाँ नाम, यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ लिख लेनी है, 3, 2, एंगल 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। उसके बाद एंगल 1, 2, 3 हम देख रहे हैं, एंगल 1, 2 और 3 जो है वो ट्रायंगल एडीसी के अंदर आता है, ठीक है, ट्रायंगल एडीसी के अंदर आता है। और ट्रायंगल एडीसी जो है वो एक ट्रायंगल है जिसके तीन एंगल्स अगर हम सम करें तो 180 ही आएगा। और ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में एंगल 4, 5, 6 के एंगल बने हुए हैं,
इस तरीके से नीचे वाला भी जो ट्रायंगल है उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 4, इन तीनों एंगल को जोड़ के तो भी 180 आएगी कुल मिला के। इसमें बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब एक बच्चों टाइप का क्वेश्चन है। किसी क्वाड्रिलेटरल को आप बस इतना कर दो कि दो टुकड़े कर दो तो वो दो ट्रायंगल में बन जाएगा, और दोनों ट्रायंगल की जो आपको एंगल सम, आपको पता है कि एक ट्रायंगल का एंगल सम जो होता है 180 होता है, दूसरे का भी एंगल सम 180 होता है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 360 हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि दोनों को ऐड करने से ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम होगा वो कितना होगा, 360। ठीक है, अगर कह रहा है कि अगर ये आपका इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल हो, यानी उसका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, तो क्या ये प्रॉपर्टी सेम होगी? हाँ, तब भी ये सेम ही प्रॉपर्टी होगी। अब ये मान लो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, इसको बीच से हम काट देते हैं तो ये दो ट्रायंगल बन जाता है, एक ये, और दोनों के एंगल सम करेंगे तो ये भी 360 आएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, दोनों को एंगल सम का, दोनों के एंगल्स को हम जोड़ देते हैं तो एक का 180, एक का 180, ये भी दोनों 360 हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये फिगर देखो, ये टेबल देखो और बताओ कि क्या समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ फिगर पे आप देखोगे तो ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, एंगल सम कितना होता है, 180। ठीक है, एंगल सम कितना होता है, 180। दूसरा वाला एक फिगर बना हुआ है जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका एंगल सम कितना दिख रहा है, 2 × 180। उसके बाद यहाँ पे देखो एक फिगर बना हुआ जिसमें पांच साइड है, इसका एंगल सम 3 × 180 180। इसमें छह साइड है, इसका एंगल सम 4 × 180। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रायंगल था। ठीक है, ट्रायंगल में तीन साइड होती है तो 3 − 2 करते हैं, 180 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 − 2 करके 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। फिर उसके बाद इसमें चार साइड है तो 4 − 2 कर देंगे, अब इसमें 4 − 2 × 180 कर देंगे तो इसका एंगल सम आ जाएगा। अब इसमें पांच साइड है तो 5 − 2, यानी सब में, सबकी साइड में से 2 माइनस करके 180 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एंगल सम आ जाता है। ये हमको इस टेबल से पता चल रहा है। ठीक है, मान लो अब हम साइड 7 ले लिए, किसी किसी भी फिगर की साइड जो है वो कितनी है, 7 है, तो उसका एंगल सम कैसे निकालेंगे, 7 − 2 × 180, बस −2 × 180 कर देंगे उसका एंगल सम आ जाएगा। 8 साइड है तो 8 − 2 × 180, 10 साइड है तो 10 − 2 × 180, n साइड है तो n − 2 × 180। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमका, हमारे पास कि एंगल सम जैसे ही निकालना है तो हम कह सकते हैं n − 2 × 180, जहाँ पे n आप नंबर ऑफ साइड रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहलाता है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड 4 साइड एंड 6 साइड। रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहलाता है, पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ, रेगुलर पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज इज नोन एज अ रेगुलर पॉलीगॉन, जिसकी साइड इक्वल होती हैं और जो अंदर के एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं तो वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। अगर तीन साइड का रेगुलर पॉलीगॉन की बात करूँगा मैं तो वो ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, और फोर साइड का पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, और चार साइड का जो पॉलीगॉन होगा वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है, छः साइड का पॉलीगॉन जो होगा वो हेक्सागॉन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने पॉलीगॉन के बारे में छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एंगल्स मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर।
अब यहाँ पे फिगर में जो एक्स जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। 50 एक साइड दी हुई, दूसरी साइड 130, तीसरी साइड 120, इस तरीके से आपको निकालनी है। यहाँ पे देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हुई थी क्वाड्रिलेटरल की, जो जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अंदर के एंगल होते हैं उसको सम करो तो 360 आता है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स अगर करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 360 मिलना चाहिए। तो इसके इक्वल 360 कर दिया जाएगा। अब एक्स की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, इन तीनों को जब ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद देखते हैं कि 300 आता है, तो 300 जो है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो 360 माइनस 300 हो जाएगा, और जब 360 माइनस 300 करेंगे तो यह हमका आंसर आ जाएगा 60। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, चूँकि हमको पता है कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना। तो जब ये एक 90 है, ये 60 है, ये 70 है, तो इन तीनों को सम कर लेंगे और 360 से इसको माइनस कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगी इस एक्स की वैल्यू जो कि 140 है। ठीक है, उसके बाद ये वाला फिगर है, इस फिगर को हम करते हैं। ठीक है, इस फिगर को हम कैसे करेंगे, देखो ये ऊपर 30 डिग्री है, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये नीचे 70 डिग्री है, और यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमको इस एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, दोनों एक्स है यानी दोनों सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4 5, पांच साइड है। कितनी साइड है, पांच साइड। ठीक है, तो इसमें हम अगर अंदर के सम की बात करूं, एंगल सम की बात करूं, तो एंगल सम का फॉर्मूला मुझे पता था, एन माइनस टू इंटू 100 होता है, 180 होता है। तो एन जो है, एन की जगह हम पाँच रखेंगे, पाँच माइनस टू इंटू 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 180 यानी 240, नहीं ए सॉरी 540, 540। तो ये पांच साइड के लिए जो एंगल सम हो जाएगा वो 540 हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये पता कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल 180 माइनस 70। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर का एंगल निकालना है अगर, ये वाला है ना, तो वो कैसे निकालेंगे एक बात बताओ, कि ये पूरा सीधी लाइन जो होती है वो कितने डिग्री की होती है, 180 की। अब जब 180 में, यानी ये पूरा 180 कहलाएगा, ये पूरा 180, 180 में इतना माइनस कर दोगे यानी 70 माइनस कर दोगे तो अंदर का एंगल नहीं निकल आएगा, है ना। देखो ये जो है ये पूरा 180 है, ये लाइन जो है ऐसे मैं बना रहा हूँ नीचे, जब ये बाहर का 70 है तो पूरे 180 के डिग्री से, 180 में से 70 माइनस करूँगा तो अंदर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ की, है ना। तो यहाँ की वैल्यू कुछ ऐसे निकालेंगे, तो 180 माइनस 70 करेंगे यानी 110, ये वाला आ गया 110, और ये 180 माइनस 60 कर देंगे तो इस तरफ का आ जाएगा, वो आ जाएगा 120। फिर n इक्वल टू 5 हमने निकाल लिया है, है ना, तो हमको अंदर का एंगल सम 540 मिल गया है। अब सारे एंगल्स को आपको ऐड कर देना है, जो दो बार x लिखा है तो दो बार x लिख दो, इक्वल टू 440 540। इस तरीके से दोनों x को ऐड करोगे तो 2x प्लस 260 इक्वल टू 550, और x इक्वल टू 140, ऐसे में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप कैसे करोगे आप मुझे बताना। डी बहुत ही इजी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे एक्स वाई और जेड निकालना है। ठीक है, ठीक है,
तो आंसर सबसे पहला फर्स्ट वाला देखते हैं, सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज़ 180, तो आपको सबसे पहले लीनियर पेयर सम पता होना चाहिए, यानी जब एक लाइन के साथ कोई एक लाइन ऊपर जुड़ी होती है तो ये जो दो एंगल बनते हैं, एक ये और एक ये दोनों लीनियर पेयर कहलाते हैं, और इन दोनों का सम करा जाए तो 180 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करूँ, इस जगह पे तो यहाँ पे एक एंगल आपका 90 यहाँ का दिया हुआ है, तो इस जगह का आपको पता करना है जो कि एक्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। तो 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता चल गई 90, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको जेड प्लस 30 दिया हुआ है, ये भी लीनियर पेयर है, ठीक है। तो 30 प्लस जेड इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर का सम जो होता है 180 होता है, तो जेड की वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी 150, तो जेड हो गया 150। अब बचा वाई, ठीक है, वाई बचा, तो वाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या फिर जब हमको यहाँ पता चल गया जेड इक्वल टू 150, तो हम चाहें तो यहाँ से थर्ड एंगल पता लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, उसके बाद लीनियर पेयर लगा के वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं।